सर, कितने सालों से आपकी फैमिली देश की सेवा कर रही है? देखिए, हमारी जो फैमिली क्लेयर फैमिली की तरफ 300 इयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। क्या बात है। और सर, मैं बोलने से रह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इस यूनिफॉर्म में इतने हैंडसम लग रहे हैं, आपको ऐसे ही सल्यूट करने का मन कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। एवरी आर्मी ऑफिसर लुक्स द बेस्ट इन यूनिफॉर्म बिकॉज दैट्स हिज प्राइड। यस, दे डू। एब्सोल्युटली। और डीजे क्लेयर सर, आपकी जो फैशन सेंस है उसका क्या कहना सर, आपने अच्छे अच्छे डीजेस को फेल कर दिया है आज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो खानदान के बारे में आपने बोला, तो मेरे को भी बहुत गर्व है कि मेरा पोता भी फौज में ज्वाइन करना मांगता है। वाओ। वो पायलट बनना मांगता है, उसका नाम है अलेक्जेंडर क्लेयर। ओ। नाम अंग्रेजी है जी, पर दिल हिंदुस्तानी। दिल हिंदुस्तानी है। गर्व की बात यह है कि सबसे पहले देश, फिर बाद में देखा जाएगा और क्या होता है। क्या बात है सर, क्या बात है। आदि आदि, मेरे पास एक क्वेश्चन है। यस प्लीज सर। मुझे एक चीज पूछनी है, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, तो यू नो, जैसे आपकी जो वाइफ्स हैं, उनको जब पता है कि हस्बैंड जा रहे हैं आगे, तो जब आप जंग पे जाते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? आज मुझे 50 साल, मेरा 50th ईयर ऑफ माय मैरिज चलने शुरू हो गया। यानी कि मेरी शादी 1971 में हुई थी, 25 अक्टूबर को हुई थी। मेरे कमांडिंग ऑफिसर नहीं चाहते थे कि मैं शादी करूं। मैं एक यंग फ्लाइंग ऑफिसर था, थोड़ा पागल था। उन्होंने मेरी बीबी को बोला कि मत कर इस पागल से शादी, तू विधवा बन जाएगी। 12 घंटे की छुट्टी मिली थी, प्यार मोहब्बत हो गया था। हम उन्हें भगा के ले गए 12 घंटे की छुट्टी में। शादी नई नई थी, मुझे देख के कहती थी कि देखना, अपने आप को बचा के रखना, डर तो सबको लगता बिल्कुल है। वही। जहां एक बारी युद्ध शुरू हो गया, तो हमारी वाइफ मेरे साथ हनीमून करने डमडम आई। डमडम उस समय कलकत्ता को डमडम कहते थे जी। रोज मेरी बीबी मेरी पुरानी हेरल्ड गाड़ी लेके रनवे के कोने पे जाके बैठ जाती थी, और जैसे जैसे हम लोग रात को शाम को वापस आते थे अपनी सॉटी करके, वो सबको हाथ हिला के हेलो करती थी। मैं सोचता था कि बीवी मेरी है। वेव सबको कर रही है। उसका भी इलाज निकाल लिया मैंने। मैंने अपने हेलमेट के ऊपर एक रेड ड्रैगन बना दिया। ओह माय गॉडनेस। सडनली मेरे दोस्त कहने लगे, यार तेरी बीवी आजकल हेलो नहीं करती। पर आज 50 साल हो गए हैं, और बड़ा गर्व से मैं कहता हूं कि मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे एक ऐसी बीवी मिली। वाह। सर, आपकी तरफ से और आपकी जो पूरी एयरफोर्स है, उसके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नजर नहीं आते, बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम हो। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए